सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूना के बारे में। नहीं, ये लूना नहीं, एक्चुअल लूना कॉइन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब मार्केट से वो डीलिस्टेट होते जा रहा है, काफी लोगों का मेल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर डीलिस्टेट हो रहा है, कहाँ ट्रांसफर करें, फ्यूचर के लिए कहाँ पर होल्ड करके रखिए, अगर थोड़े बहुत भी चांस रहेंगे रिवर्सल के तो कैसा हम एक्सपेक्टेशन रखें, उसके ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूँ। साथ में मार्केट का ओवरव्यू लेंगे, फियर और ग्रीड इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, और वन ऑफ द फेवरेट टूल जहाँ पर फंडिंग रेट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें यहाँ पर दिख रही है बिटकॉइन और करंट सिचुएशन को लेकर, जो कि मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि भाई अगर लेवल होल्ड करने में कामयाब होता है देन कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे बिटकॉइन रियलाइज प्राइस के बारे में, और उसके बाद बेसिकली हम बात करेंगे, मैंने ट्विटर के ऊपर सभी फेमस यूट्यूबर जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं सभी को टैग किया हो ये कहने के लिए कि भाई जो फिल वक्त में लूना के अंदर हुआ है क्या हुआ है, क्रैश हुआ है। और मेरे को यकीन मानो इतने मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक ऐसा एक लौता यूट्यूबर हूँ जो नंबर सभी अपने सब्सक्राइबर के पास अवेलेबल है, तो इतने मैसेजेस मेरे को व्हाट्सएप पे आप बोलो, आप मेरे को मेल पर बोलो आ रहे हैं कि सर मैंने लूना को इतने पे परचेस किया था, $10,000 लगाया इतना बचा, ₹1,00,000 लगाया इतना बचा, सब कुछ लूट गया। भाई एक का तो मैं पढ़ के हैरान हो गया कि उसने अपनी कार को बेचकर लूना में लगाया और उसके पास अभी कार तो नहीं है और ना ही लूना है। तो देखिए याद रखो क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर कई ऐसे दिग्गज हैं जो कि क्रिप्टो स्पेस को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मुझे जरूरत है इन सभी यूट्यूबर्स की जो कि फेमस यूट्यूबर जिसके मेरे से ज्यादा फॉलोवर्स है, मेरे से ज्यादा व्यूज उनको आते हैं, इनके साथ मिलकर हम कुछ मेरा कुछ प्लान है जो कि हम मे भी शायद जो आगे मैं डिस्कस करूँगा उसके ऊपर। तो आप सभी लोग वीडियो को एक तो एंड तक देखो, क्योंकि मैं उस पॉइंट पर जब आऊंगा तब आपको डिस्कस करके बताऊंगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो बोथ चैनल है क्रिप्टो आदिल प्लस मेक मनी गुरु, दोनों चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में क्लिक करके सेव करो ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। नाउ मूव टू टॉपिक करते हैं, और अगर मैं टॉपिक की बात करूं सबसे पहले मैं DXY को कवर करूंगा ऑन वीकली बेसिस, जो कि थोड़ी सी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है DXY। उसका मेन रीजन ये है कि भाई DXY अगर ज्यादा पॉजिटिव होता है तो क्रिप्टो स्पेस के अंदर हमको डम देखने को मिलता है। मेरा एक्सपेक्टेशन यही था डेली कैंडल्स को लेकर, क्योंकि मैं कल भी बताया था, कल भी हमने इसको लेकर वार्तालाप किया था कि भाई अगर मान के चलो यहाँ पर एक तरीके से डाइवर्जन क्रिएट हो रहा था, राइट, लाइक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन में रख रहा था कि भाई मार्केट में क्रैश आएगा, मार्केट वापस डम करेगा। और एक चीज पहले भी आपको बोला हूं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर DXY डंप लेगा देन डेफिनेटली क्रिप्टो स्पेस के अंदर रिवर्सल का चांस बन जाएगा। मैं आपको ऑन एक्सचेंज बैलेंस भी बताऊं जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा बोलूंगा मैं उसको, इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। सेकंड चीज जो कल रात की वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो ये कि भाई ये वाला जो लेवल है ये लेवल को मार्केट ने होल्ड करना चाहिए, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लास्ट डंप जो किया था 26 के करीब किया था और उसके बाद अच्छा खासा रिवर्सल हुआ है। ठीक है, अगर मैं कैंडलस्टिक रिवर्सल कैंडल की बात करूं, और जिसको नहीं पता रिवर्सल कैंडलस्टिक क्या होता है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यहाँ पर कोर्स अपडेट करके रखा है, यहाँ पर आपको 4 कैंडल मिलेंगे, और अगर आपको पूरे कैंडलस्टिक सीखना है तो यहाँ पर आपको पूरे कैंडलस्टिक मिलेंगे और टोटल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो पहले यहाँ पर जाकर देखो तो आपको समझ में आएगा रिवर्सल कैंडलस्टिक होता क्या है। खैर अगर मेन तरीके से यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर एक साइड बना था आपका बियरिश एंगल थिंग, राइट, जो कि साइन दे रहा था कंटिन्यूएशन का डाउन ट्रेंड का। नेक्स्ट यहाँ पर मार्केट सपोर्ट पे किया, मार्केट ने एक तरीके से लिक्विडेशन गेम प्ले किया, और उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से आप ये कह सकते हो डोजी क्रिएट किया जो कि इनडिसिजन साइन होता है मार्केट के अंदर, और उसके बाद अभी के वक्त में एक बुलिश कैंडल बन रहा है, नॉट एंगल थिंग, एक बुलिश कैंडल बन रहा है। मैं क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख रहा हूँ, देखिए मैं एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ये रख रहा हूँ, या तो जैसे देख दो बार हमारे पास पैटर्न बने थे, कौन से, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, वैसे ही मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं भी एक एक्सपेक्टेशन में रख रहा हूं कि यहां पर भी कुछ ना कुछ पैटर्न बने, जो भी पैटर्न बने, और उसके बाद अपसाइड में ब्रेकआउट मिले। अगर आप इस रेंज में देखोगे, इस रेंज पर अगर आप गौर करो तो इस रेंज के अंदर बिग फॉर्मेशन में पैटर्न बन रहा है एक बिगर पिक्चर के अंदर। अगर हम यहां पर बात करें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर तो यहां पर भी कुछ ना कुछ पैटर्न एक्सपेक्टेशन में रख रहा हूं, बिकॉज अगर ये प्रॉपर डिमांड लेवल इसको बना रहा है ना तो कहीं ना कहीं यहां पर मार्केट लंबे टाइम तक, नॉट फॉर लॉन्ग, जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे ना डंप करने के बाद, मैं रफली यहां पर कैलकुलेशन करके बताता हूं, लगभग मार्केट 63 डेज तक साइडवे था, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग यहां पर मार्केट 26 से लेकर 30 डेज के लिए साइडवे था। तो शायद
डंप लेने के बाद यहां पर भी मे बी मार्केट दो हफ्ते या डेढ़ हफ्ते या तीन हफ्ते तक मार्केट साइड में रहेगा अगर मार्केट को एक्चुअल में रिवर्सल होना है तो। और अगर यहां पर मार्केट तुरंत डंप लेता है तो फिर भाई बियर ट्रेंड के ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है और वो जो डर है हमारा बियर ट्रेंड का वो बन जाएगा फाइनल कंफर्म। लेकिन अभी तक जैसे हर वीडियो में बोला हूं 28,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, वो जब तक ब्रेकआउट करता नहीं करता वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको देखने की जरूरत है। मेन चीज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अभी हमको वेट करना है, स्टिल वेटिंग है। मैं पर्सनली वीकली कैंडल को ज्यादा वॉच करूंगा बिकॉज वीक के अंदर दो तीन वीक के अंदर हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि भाई रिवर्सल का चांसेस है या नहीं है। तो पर्सनली आप इस लेवल को वॉच करो, दो दिन के अंदर वीकली क्लोजिंग होने वाला है, उसके हिसाब से आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो मुझे अच्छी चीज लग रही है मार्केट कैप के अंदर वो ये है कि मार्केट एक तरीके से जो वीकली एरिया ऑफ जोन में कहूंगा नॉट सपोर्ट, बिकॉज क्यों जोन कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंट है यहाँ पर सपोर्ट है, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है ये एक प्रॉपर जोन है और यहाँ पर एक अच्छी आप ये कह सकते हो बहुत एग्रेसिव कैंडल बनी है जो कि ये बताना चाह रही है कि भाई मैं नीचे नहीं जाऊंगी और बेसिकली यहाँ पर चांस लग रहा है कि मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो ये एक प्रॉपर कैंडल है डेली के अंदर, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मुझे लगता है कि ये दे रही है। अगर मैं इसको डेली के हिसाब से अगर मैं इसको प्रॉपर जोन दे दूं ना तो मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडिया आपको भी देने में क्लियर आ जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ पर कौन से लेवल को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो तो एग्जैक्टली ये वाला जो रेजिस्टेंट था ये करंट में ऐसा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अभी कैंडल तो बनी है लेकिन क्लोजिंग बाकी है, 13 घंटा बाकी है। कल इसके लिए मैं अपडेट दूंगा जब कैंडल हमारा प्रॉपर क्लोजिंग हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर अपडेट इसके ऊपर दे दूंगा। नेक्स्ट डोमिनस, ऑलरेडी कल के दिन में हमने इसको प्रॉपर लेवल को कनेक्ट किया था और अभी के वक्त की अगर बात करें तो डोमिनस अच्छा खासा जंप किया यहाँ पर, एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर जंप किया, लेकिन मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन फेस कर रहा है। रेजिस्टेंट लेवल पे आने के बाद अगर मार्केट करेक्शन करता है तो कहीं ना कहीं चांस ये होते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत डाउन जाएगा। देखो मैं दोबारा रिपीट करवा दूं अपने सिनेरियोस को, जब भी डोमिनेंस पॉजिटिव होगा पहले डोमिनेंस मूवमेंट लेता है उसके बाद प्राइस के अंदर आपको रिएक्शन देखने को मिलता है, ऑलरेडी आपको कल और इसके पहले कई दफा बता चुका हूं। तो अगर डोमिनेंस पहले अप जाता है या पहले डाउन जाता है तो उसके हिसाब से आप बिटकॉइन प्राइस को देखो, उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे पहला डोमिनेंस पंप लिया, यहां पर भी पहला डोमिनेंस पंप लिया, उसके बाद प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर सेम अगर यहाँ पर करेक्शन है तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा दो कि अगला मूव क्या हो सकता है। मेन चीज है कि कैंडल क्लोजिंग एटलीस्ट होना चाहिए, वो हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। सेकंड अल्टकॉइन इंडेक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल में मानूंगा इसको, ठीक है। इस कैंडलस्टिक के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, जाकर आप देखो प्लेलिस्ट के अंदर। मैं इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये इतनी एग्रेसिव कैंडल है जो अभी बनी है ना, नीचे गैप डाउन करके मार्केट क्लोजिंग अभी हुआ नहीं है, 13 घंटा 36 मिनट बाकी है। लेकिन अगर ये ऐसे ही क्लोजिंग करती है तो याद रखो मार्केट बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है रिवर्सल का। ये मैं अपने कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, जो टेक्निकल टर्म होते हैं जो मैंने पिछले 5-6 साल के अंदर मार्केट से सीखा है वो चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन अभी 13 घंटा 36 मिनट स्टिल यहां पर रिमेनिंग है, उसके बाद ही अपना हम डिसीजन लेंगे। तो यहां पर ऑल ओवर मार्केट का अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट मैं फियर और ग्रेट इंडेक्स के बारे में बात करूंगा जो कि एक्सट्रीम और भैया एक्सट्रीम फियर्स में चल रहा है क्योंकि 10 लेवल पर यहां पर इंडिकेटर आ चुका है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्रैक डाउन करके जीरो पर चला जाएगा जो कि मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। जब भी मार्केट में एक्सट्रीम फियर है कहीं ना कहीं लोग उसका फायदा उठाते हैं, स्पेशली वेल्स उसका फायदा उठाते हैं। अगर मैं बात करूं फंडिंग रेट की, तो यहां पर ऑलमोस्ट बिटकॉइन की बात करूंगा सभी एक्सचेंज पर या 90% एक्सचेंज 99 बोलना चाहूंगा सभी एक्सचेंजेस के ऊपर अभी सब लोग लॉन्ग करके बैठे। मैं बाइनेंस के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग लॉन्ग नहीं है लेकिन OKX के ऊपर, बायबिट के ऊपर, और आपको मैं कहूँ बता दूँ यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर कॉइन एक्स ये जो नाम है प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजिशन यहाँ पर बैठी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग हो रही है, इट मीन्स लोग चाहते हैं एक तरीके से उसको अपसाइड में लेके जाए। नेक्स्ट यहाँ पर लिक्विडेशन की बात करें, 24 घंटे के अंदर 391 मिलियन वर्थ ऑफ डॉलर यहाँ पर लिक्विडेट हुआ। लेकिन मेन चीज हमारा है क्या है, एक्सचेंज ऑन बैलेंस वीडियो एंड तक जरूर देखो, आगे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होने वाली है जो लोगों ने लूना बाय किया उनके लिए, और प्लस सोल्यूशन बताऊंगा कि अभी के वक्त में जो डीलिस्टेड हो रहा है क्या करें, कैसा सेव करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेन चीज बाइनेंस के ओर पर अगर आप देखेंगे तो भैया अच्छा खासा विड्रॉल हुआ है, लेकिन बिटफिनेक्स 12,000 डिपॉजिट हुआ है। अगर आप ऑन एवरेज निकाल लोगे सभी एक्सचेंजेस का तो 12,900 के करीब का बिटकॉइन यहाँ पर विड्रॉल हुआ जो कि मुझे लगता है ठीक ठाक है, ये रेंज मार्केट घूम रही है। और अगर एक्चुअल में ये जो डंप हुआ था अगर हम ये माने कि ये प्री प्लान था
एग्जाम्पल के लिए हम ये माने कि वेल्स लोगों ने गेम प्ले किया है, तो मैं ये समझता हूं कि एक्चुअल एक्सचेंजेस का जो बैलेंस है वो फिर से ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि भाई जो लिक्विडेशन गेम करना तो उन्होंने कर दिया है, लो में परचेज किया है, 25,000-26,000 तक बिटकॉइन जा चुका था। तो अगर अगर ये सच में एक तरीके से आप ये कहो कि ये एक ट्रैप था और मार्केट को बुलिश होना है, तो आप ऑन एक्सचेंज बैलेंस को देखो कि भाई एक्सचेंजेस के ऊपर बैलेंस कितना है, और अगर ये डंप होता है, ठीक है, ये डंप होता है, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहेगा बिटकॉइन अच्छा खासा हाई जा सकता है। प्लस अगर आप बिटकॉइन रियलाइज प्राइस इंडेक्स को देखेंगे तो यहां पर एक तरीके से बात की जा रही है कि भाई लगभग यहां पर जो मार्केट क्रैश किया था कल के दिन के अंदर, जहां पर मार्केट $25,400 तक सोल्ड किया था, ठीक है, प्राइस डिप लिया था और अचानक 6% यहां पर ये रियलाइज प्राइस था 23,960 यहां पर डॉलर के हिसाब से बता रहा था। लेकिन यहां पर कुछ एक्सप्लेन उन्होंने ये भी किया है कि द रियलाइज प्राइस रिप्रेजेंट द एवरेज कॉस्ट बेसिस ऑफ ऑल बीटीसी, जो ऑल बीटीसी का एवरेज कॉस्ट बेसिस है उसकी यहां पर प्राइस जो कितना था 23,960 एंड वाज द लास्ट विजिटेड ओनली ब्रीफली इन मार्च 2020। ये प्राइस कब विजिट किया था, मार्च 2020 को, और यहां पर ये बता रहे हैं कि हिस्टोरिकली इट हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर बिटकॉइन। तो ऑन चेन डेटा के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव चीजें मिल रही है, फंडिंग रेट्स के हिसाब से पॉजिटिव चीज मिल रही है, एक्सचेंजेस के ऊपर ज्यादा कुछ डिपॉजिट नहीं हो रहा है, इसके अलावा डोमिनेंस ठीक है, न्यूट्रल में मानूंगा जब तक वो रजिस्टर को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक। अल्टकॉइन इंडेक्स पॉजिटिव दिखा रहा है, मार्केट कैप इंडेक्स ठीक ठाक दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें देखने को मिल रही है ऑल ओवर क्रिप्टो स्पेस के अंदर। अभी बात करते हैं लूना के लेकर, लंबा डिस्कशन होगा तो वीडियो बड़ी बन रही है, एंड तक जरूर देखो। टेरा लूना की अगर मैं यहाँ पर बात करूं सबसे पहले, तो मैं सबसे पहले बात ये करना चाहूंगा कि भाई जो मेरे को मेल मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो बड़े ही मतलब उनको पढ़कर मेरे को ऐसा फील हो रहा है यार, लोगों का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ट्वीट करूं और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं सभी को इन्वाइट करूं कि कुछ मिलकर डिस्कस करें। और हम सभी को पता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या इस क्रिप्टो स्पेस के अंदर कई ऐसे दिग्गज बिलियनर्स है जो कि अपना सारा फंड डोनेट करने वाले हैं, चैरिटी में डोनेट करते हैं और एनुअल टाइम के अंदर करने भी वाले हैं। तो मुझे ये लगता है कि कुछ आवाज उठाकर, क्योंकि मैं तो रिसेंटली पढ़ भी रहा था कुछ ऐसे ट्वीट्स, मे बी वो सही ना हो, कि कुछ लोगों ने सुसाइड किया है, किसी ने घर बेचकर लूना को परचेज किया था, किसी ने गाड़ी बेचकर लूना को परचेज किया था, किसी ने लोन लेकर, किसी ने कुछ करके लूना को परचेज किया था, आज वो बर्बाद हो चुके थे, सुसाइड कर दिए। मे भी ये गलत हो, ऐसा ना हो, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि कुछ कॉइन्स को लेकर, कुछ पैसे को लेकर ऑब्वियसली बात है जान खो दे। लेकिन ये चीज अगर हो रही है तो हम सबको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। देखिये, क्रिप्टो स्पेस के अंदर बिलियनर्स बहुत है और वो बिलियन से पैसा डोनेट करते हैं और आने वाले टाइम के अंदर करने भी वाले हैं, तो क्यों ना इन सब के एक यूट्यूब के जरिए, ट्विटर के जरिए हम ऐसी आवाज उठाएं कि जो बिलियनर्स क्रिप्टो स्पेस के अंदर, शायद जो लोगों का एक्चुअल में लॉस हुआ है विद प्रूफ के साथ, उनकी कुछ हेल्प हो जाए, उनकी कुछ मदद हो जाए, कुछ ऐसी आवाज उठे ताकि उन लोगों तक आवाज जाए और वो लोग शायद कुछ डोनेट करेंगे, तो एटलीस्ट जो लोग बहुत हैवी लॉस में, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसने बेसिकली $1 की बिलो या $5 की बिलो बाय की, क्योंकि चलो छोटा मोटा लॉस है, $100-$50 इन्वेस्टमेंट किया है, उन लोगों की लॉस की बात कर रहा हूँ कि यार जिसने अभी एक मैसेज आया था, कोई बंदा था CR के अंदर लॉस हुआ है, CR के अंदर, तो वो तो बंदा पागल हो गया है। मतलब ऐसा लॉस इस स्पेस के अंदर हुआ है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब यूट्यूबर मिलकर कोशिश कर सकते हैं और आवाज उठा सकते हैं, शायद कुछ हेल्प हो जाए, शायद कुछ रेजोल्यूशन मिल जाए, शायद कुछ पॉजिटिव चीज हो जाए, क्योंकि लूना कॉइन कोई बेकार कॉइन, कोई शिट कॉइन, कोई मीम कॉइन नहीं था और ये एक तरीके से क्रिप्टो स्पेस का नाम करेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो मैंने इसके लिए ट्वीट किया था, आप अगर जाओगे मैं ट्विटर हैंडल के ऊपर आदिल के 070 हैंडल है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाओ, अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को टैग करो, उनको टैग करके रीट्वीट करो, उनको ट्वीट करो, शायद कोई आ जाए सामने और शायद कुछ हो जाए। देखिए, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सर कुछ नहीं होने वाला, मार्केट डंप होगा, पैसा चलेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन करने में कहां हमको पैसा लगने वाला है, अगर हम कुछ कोशिश करते हैं तो हमको कोई पैसा वहां पर नहीं लगेगा, हमको ना ही वहां पर कोई कॉस्ट पे करना पड़ेगा, सिर्फ ये रहेगा कि हमारा थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज होगा। और मैं समझता हूँ अगर कोई यूट्यूबर अपना टाइम भी यूटिलाइज नहीं कर सकता है अपनी कम्युनिटी के लिए, तो उसका यूट्यूब पर आना, उसके वीडियो बनाना कोई काम का नहीं रहेगा। तो ट्वीट दिया हुआ है, जाकर आप ट्वीट करो, शेयर करो, टैग करो सबसे पहले, और कोशिश करो कि अपने अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को ये बात दिमाग में उनके डालो, शायद कुछ ऑप्शन निकल जाए, पूरे मिलकर काम करेंगे, वर्क करेंगे, आवाज उठाएंगे, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन निकलेगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा दुनिया भर के लोगों को डोनेशन मिल जाए,
लेकिन याद रखो यार, ऐसे ऐसे एड्रॉप्स यहाँ पर किए गए हैं कम्युनिटी की ओर से, जो कि बहुत बड़े बड़े एड्रॉप्स हैं। मैं समझता हूँ लाखों से रुपया फ्री में डोनेट एड्रॉप्स किया गया, वो भी लाखों करोड़ों लोगों को। तो ऑलरेडी बहुत पैसा है स्पेस के अंदर, कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर निकलेगा, या नहीं तो लूना के ऊपर ही कुछ ऑप्शन निकल जाए, कुछ इसको सपोर्ट मिल जाए, कुछ रिकवरी का ऑप्शन बन जाए, कुछ ना कुछ तो निकल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लूना डील स्टेट की। भाई सभी लोग अभी सभी एक्सचेंजेस, इंडियन एक्सचेंज, बाहर के एक्सचेंज, मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस अभी डील स्टेट कर रहे हैं, कर चुके हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर हमने, चलो हमने बॉटम पे बाय किया था, हमने टॉप पे बाय किया था, बेचकर तो फायदा कुछ नहीं है, तो हम इसको होल्ड करना चाहते हैं, उड़ गया तो चल गया वरना बर्बादी। तो वो चाह रहे हैं कि भाई हमें कहां पर सेफ रखे, अब एक्सचेंजेस तो डील स्टेट कर रहे, क्या करें। तो देखो जो अभी तो अगर मैं बैलेंस की बात करूं, मैंने अपना टेलीग्राम में भी पोस्ट किया था, वहां पर की अगर बात करूं तो फिलवक्त के अंदर भी सस्पेंड किया गया है रात 11:15 बजे तक। तो आप अगर चाहो तो रात 11:15 के बाद 11:30 के बाद उसको विड्रॉल करने की कोशिश करो। कहां पर विड्रॉल करेंगे, आपका ट्रस्ट वैलेट होगा, मेटामास्क हो गया, और अगर कोई हार्डवेयर वैलेट सपोर्ट करता है उस पर हो गया, या नहीं तो लूना का अपना वैलेट होगा, ठीक है, ऑफलाइन वैलेट, उसको डाउनलोड कर लो, उसके की फ्रेस लिख लो प्रॉपर तरीके से, उसके अंदर डाल के छोड़ दो। अगर लूना कहीं ना कहीं रिकवर होता है, प्रॉपर आ जाता है तो अच्छी बात है, मतलब कहीं ना कहीं रिवर्सल हो जाएगा, नहीं होता है तो ऐसे भी हम डूब ही चुके हैं और कितना डूबेंगे। तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है या तो ट्रस्ट वैलेट का ऑप्शन चूज करो, या नहीं तो उनका अपना पर्सनल वैलेट होगा वहां पर चूज करो। सेकंड चीज जो मुझे सबसे खराब चीज लग रही है वो ये है कि इसका जो ओनर था, जो फाउंडर था इसका, वो कुछ खास बातचीत नहीं कर रहा है सामने आकर, पता नहीं क्यों। क्योंकि जो हिसाब से मार्केट क्रैश हुआ है, उसको चाहिए था कि भाई अदर क्रिप्टो स्पेस जो टॉप ब्रांड लोग है, ठीक है, जो को फाउंडर है, फाउंडर अदर कॉइन्स है, उनके साथ उनको बात करना चाहिए था, सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ तो कुछ हेल्प लेनी चाहिए थी। बट पता नहीं वो बंदा क्या कर रहा है काफी दिनों से, मेरे ख्याल से मैंने कभी तो अभी पढ़ रहा था कि ट्वीट भी नहीं हो रहा है कुछ उसके अकाउंट से। तो एक तरीके से ये बिल्कुल नेगेटिव चीज है। अगर वो इस हिसाब से कुछ करेगा तो भाई मुझे नहीं लगता कि लूना वापस आएगा, लेकिन होप बनाए रखते हैं शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए। ये क्रिप्टो है, यहाँ पर कुछ भी अचानक हो जाता है जैसा लूना के साथ हुआ है। तो गाइस उम्मीद करूंगा आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आ चुका है। आज के वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखो, टेंशन ना लो, आज मार्केट ने आपसे पैसा छीना है, कल मार्केट आपको दोबारा ऑप्शन देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अरे कि मैं पहले भी, हम 2017 के बाद की भी बात करूँ या 2020 की बात करूँ, मैंने उस टाइम पे भी बोला था भाई कभी भी इस मार्केट के अंदर एक सबसे पहले मेन चीज जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं लाखों का, मार्केट में पैसा लगा रहे, खुद का घर जो होता है, जो खुद का घर बेच रहे हैं, ठीक है, मॉर्गेज रख रहे हैं और उसके अगेंस्ट लोन उठा रहे हैं मार्केट से लाखों का और उसको इन्वेस्ट करते, ये चीज ना करो यार बिल्कुल। क्रिप्टो ने बहुत पैसा है, बहुत पैसा बनता भी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम लूने के साथ जो देखा है, अभी मेरे को भी लग रहा है कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है, इतना बड़ा आपने कदम नहीं उठाना है कि आपकी लाइफ इससे बर्बाद हो जाए, ठीक है। मेरे पास एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 10 लाख रुपए है कैश, तो मैं एटलीस्ट 3-4 लाख से उसको इन्वेस्टमेंट करूँ, बाकी का पैसा सेफ साइड रखू, ये ना करूँ पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट करूँ। सेकेंड चीज, बहुत से लोगों को मैंने देखा हूँ $20,000-$25,000 का पोर्टफोलियो होता, उन्होंने क्या किया, पूरा पैसा एक ही कॉइन में लगा दिया। ये क्यों कर रहे हो यार, ऐसा ना करो। अगर आपके पास अमाउंट है उसको अलग अलग देखिए, शुरुआत तो टॉप कॉइन से करो, बिटकॉइन से करो, इथेरियम से करो, टॉप कॉइन्स के अंदर भी पोर्टफोलियो रखो, भले इनका प्राइस अप है, अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड कर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो को एक कॉइन के अंदर ना डालो, मल्टीपल कॉइन में डालो। सेकेंड चीज जो मैंने अभी सीखा वो ये कि भाई अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन को परचेज कर रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई भी एक्सपायर्ड कॉइन परचेस किया, मैं सोच रहा हूँ कि भाई 5 साल तक मैं इसको होल्ड करूंगा, तो वहां पर एक चीज आप ये करो कि एटलीस्ट परचेस करने के बाद अगर आपका मार्केट से 10-20-50-60% ऊपर गया ना, तो अपने स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगा दो कि भाई एटलीस्ट जो बाइंग प्राइस है उससे 1-2% ऊपर लगा दो, अगर मार्केट बाय चांस गिरता है तो मेरा लॉस में सेल ना हो, मैं प्रॉफिट के अंदर एक्सिट हो जाए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल की अगर लूना की मैं बात करूँ, जिस $100 का प्राइस था, अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, किसी ने 80 पे बाय किया था, अब अगर वो 80 के ऊपर 81 पे सेल का ऑर्डर लगा के रखता है, पेंडिंग ऑर्डर, राइट, और अगर मार्केट क्रैश होता तो शायद आज उसका लॉस नहीं होता, वो पहले ही एग्जिट कर दिया होता, राइट। तो ऐसे अदर कॉइन्स के साथ भी हो सकता है, क्रिप्टो के अंदर अभी मेरे को लगता है ये चीज का रिस्क कहीं ना कहीं है, वो अलग चीज है जो भी चीजें हुआ है उसके अंदर, लेकिन हमको हमारे सेफ साइड रखना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड कर रहे हो ना, तो बस छोड़ना दो उसको, उसको साइड में स्टॉप लॉस यूज करो और हर हफ्ते में एक आध बार उसको लॉग इन करके देखो भाई क्या चल रहा है, ऐसा ना हो कि आप स्टॉप लॉस रखो, बाद में ऑटोमेटिक एक्सचेंज की ओर से स्टॉप लॉस हट जाए और मार्केट डंप और अपना लॉस हो जाए। तो ये कुछ टैक्टिक्स यूज करो,
ताकि लॉस से बच सके। बाकी तो जो हुआ खैर हुआ, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, इतना टेंशन ना लो दिमाग के ऊपर। देखिए पैसा आता है और जाता है, लाइफ हमेशा की रहने वाली है, लाइफ एक ही बार मिलती है। तो जो लोग बहुत ह्यूज लॉस किए मुझे, उनके लिए बहुत टेंशन होती है समटाइम्स इस टाइप के मैसेजेस और मेल को पढ़ता, तो अपने आप को हिम्मत दो, अपने आप को लगन दो। अगर आपने इस मार्केट में लॉस किया है आज, मैं आपको बोलता हूँ कल के दिन आप प्रॉफिट भी करोगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा 2017 का। 2017 के अंदर मैंने जिंदगी का, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं था, जिंदगी का मैंने सबसे बड़ा लॉस किया था 4.5 लाख रुपीज का, वो भी रिपल कॉइन के अंदर। अब अगर मैं उसी 4.5 लाख के जो मुझे लॉस हुआ था इंडियन रुपीज के अंदर, अगर मैं उसी लॉस के टेंशन में खुद को कुछ कर देता, क्योंकि उस टाइम 4.5 लाख रुपए मतलब मेरे 5 साल की सैलरी आप कह सकते हो, 5 साल की अगर मैं सैलरी जमा करूँ तो उतना पैसा जमा होता है। तो मैं अगर वो सोचते हुए अगर कुछ कर देता, शायद आज मेरे को जो रिटर्न अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो से मिला है वो नहीं मिल पाता। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई लॉस हुआ है, डरो मत, घबराओ मत बिल्कुल। जो गलतियां अभी के वक्त में हुई है, अगर आप चाहो, अगर आप इसको प्रॉपर ढंग से करो तो गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और प्रॉपर तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं बेस्ट रिटर्न मिलेगा। और मेरा एम अभी यही है कि अगर क्रिप्टो बियर मार्केट भी स्टार्ट हो जाता है सही टाइम पर, जिस टाइम मैंने 2017 2018 2019 में वेट करते हुए बॉटम पकड़कर अपना इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न गेन किया है, मैं चाहूंगा अपने यूट्यूब फैमिली के लिए, टेलीग्राम फैमिली के लिए मैं उस टाइप के कॉइन्स ऑन बॉटम के अंदर शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी अगर आपने लॉस किया तो अच्छा खासा लॉस को रिकवर कर सको, और अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो तो प्रॉफिट भी उसमें बना सको। उसके लिए कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ बने रहना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मैं कोई ऐसे नहीं कि हवा के अंदर आया और मार्केट से गैप हो गया। मैं 2016 के एंड में यहाँ पर आया था और 2016 से लेकर अभी तक मैं ऑनलाइन हूँ। आप यूट्यूब पर जाकर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो गाइस उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आ चुकी है, और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।